विधि विधान से स्मृति ने भरा पर्चा, नामांकन में दिया संपत्ति का ब्यौरा, करोड़ों की मालकिन है स्मृति ईरानी। इस बार के लोकसभा चुनावों में यूपी की कई सीटों पर मुकाबला बड़ा होने वाला है और इन सीटों में एक सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी है, जहां पर कांग्रेस के सिरमौर राहुल गांधी के सामने बीजेपी की स्मृति ईरानी मैदान में है। वेद पाठ, पूजा हवन के बाद, पूरे विधि विधान के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना नामांकन कर दिया। लेकिन इस नामांकन में नेताओं को अपनी राजनीतिक ताकत के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताना होता है। नामांकन के दौरान स्मृति ने भी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया। स्मृति के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति में 80% का इजाफा हुआ है। 31 मार्च 2018 तक की संपत्ति के ब्यौरा देते हुए स्मृति ने बताया कि उनके पास 21 लाख की ज्वेलरी है, 1.5 करोड़ का फ्लैट। तो वहीं पति की संपत्ति का ब्यौरा देते हुए स्मृति ने बताया कि पति समेत उनकी कुल संपत्ति 9.37 करोड़ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के नामांकन के वक्त स्मृति के पास 5 लाख रुपए कैश थे, तो वहीं 2019 के नामांकन के मुताबिक उनके कैश की संख्या बढ़कर 6,24,000 हो गई। फिलहाल उनके बैंक खाते में 89,77,040 रुपए बैलेंस है। इतना ही नहीं, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस, गहने और बाकी संपत्तियों को मिलाकर फिलहाल उनके पास 71 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। आपको बता दें कि पर्चा भरने से पहले स्मृति ने योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर अमेठी में रोड शो किया था। लगभग 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस भीड़ में कितनी वोट स्मृति के लिए पड़ती हैं, क्योंकि स्मृति लगातार राहुल को हराने का दावा कर रही हैं।